हेलो दोस्तों, आज यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप जो पीएम किसान का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं और अगर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जो है ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना करके वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप चैनल पर जाएँ और वहाँ से आप देखें। और आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूंगा वो लिंक, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं कैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर खोज सकते हैं। और यहाँ पे आज बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा जो है आप अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं कि आपका पीएम किसान का पैसा क्यों नहीं आया है, और अगर आया भी है तो आप कैसे देख पाएंगे कि आपका बैंक अकाउंट में आ गया है या फिर नहीं आया है या फिर कहाँ पे पेंडिंग है, वो आप देखने के लिए यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग, चलिए मैं ले चलता हूँ लैपटॉप का स्क्रीन पे और सारा चीज़ दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आप लोग चेक करके मैं बताऊँगा कि आपका पीएम किसान का पैसा क्यों नहीं आया है और आया है तो किस अकाउंट में भी आया है, वो भी यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो आज चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रोम ब्राउजर में जो है पीएम किसान के साइट पे चले आना है। जैसे ही आप साइट पे चले आते हैं तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि ये साइट है, और जैसे स्क्रॉल करके आएंगे आप अपने जो है मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं या पीसी लैपटॉप में भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नो योर स्टेटस का, जो कि यहाँ पे न्यू का भी ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो ये जो है हाईलाइटेड है, आप लोगों को इसी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आप लोगों का, वो यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है कि कैसे निकाला जाता है तो ऑलरेडी वीडियो है, आप वीडियो को जा कर के देख ले, वहाँ पे आप लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे कि कैप्चा दिया गया, तो कैप्चा को जो है यहाँ पे मैं फिलअप कर लेता हूँ। कैप्चा जो है फिलअप करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को जो है दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं जो है कैप्चा फिलअप कर लिया, उसके बाद गेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो ये जो है लास्ट में 2093 जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला गया है। जो भी ओटीपी गया है वो ओटीपी यहाँ पे फिलअप करेंगे, और गेट डेटा फिलअप कर लिया, उसके बाद गेट डेटा पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे आप लोगों को सारे डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो है वो देख पा रहे कि एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। अगर आप पे ये जो एलिजिबिलिटी स्टेटस देख पा रहे हैं, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा चीज़ देख पा रहे कि लैंड सीडिंग भी यस है, यहाँ पे EKYC स्टेटस भी यस है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। इसका मतलब ये है कि आधार कार्ड से जो है बैंक आपका लिंक है, आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों चीज़ कंप्लीट है, आपका पैसा आएगा ही। और यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे आएंगे तो FTO प्रोसेस यहाँ पे जो यस है, बहुत लोगों का जो है यहाँ पे नो है। तो नो रहने का कारण भी क्या है, यहाँ पे आप लोगों को तीनों चीज़ जो है आप लोगों को सभी चीज़ें सही से दिखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे FTO स्टेटस जैसे कि नो ही मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं दिखा देता हूँ, आज टेस्ट जो है वो 8 किस्त तक आया हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ पे 9वां किस्त क्लिक करता हूँ तो 9वां किस्त में आप देख पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 9वां किस्त जैसे ही क्लिक किया और यहाँ पे देख पा रहे कि FTO प्रोसेस नो हो गया, और यहाँ पे सारा चीज़ जो है एलिजिबिलिटी स्टेटस में देख पा रहे कि सारा चीज़ यस है। तो ये कारण किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है वो आधार से बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है, इसकी वजह से ये जो हो रहा है। अगर आपका भी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपका FTO प्रोसेस नो रहेगा, और यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट स्टेटस में कुछ नहीं दिखने वाला, जैसे ही यस होता है आप लोगों का पैसा आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि देख पा रहे कि यू हैव ऑलरेडी सीड प्लीज चेक, तो आप यहाँ पे क्लिक या पे क्लिक करके और अपना जो है वो बैंक अकाउंट से जो आधार कार्ड लिंक है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे बाद आपके सामने जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे देख पा रहे कि बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर डालना है, और यहाँ पर ये कैप्चा जो है वो यहाँ पे इंटर करके सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP यहाँ पे फिलअप करने के बाद लॉगिन कर देना है। उसके बाद आप लोगों को जो भी बैंक अकाउंट से अगर लिंक होगा तो लिंक दिख जाएगा, और वहाँ पे जो है अगर एक्टिव लिखा हुआ है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका 15 से 20 दिन में जो है वो PM किसान का साइट पर भी अपडेट हो जाएगा और आपका पैसा आ जाएगा। और बैंक अकाउंट यहाँ पर अगर आप लोगों को लिंक नहीं दिखता है
तो पहले क्या करना होगा कि अपने बैंक में जा कर के आधार कार्ड को जो है अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराना होगा, उसके बाद ही आपका जो है FTO प्रोसेस जो है वो यस होगा और आपका पैसा आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को आज मैं जो है वो स्टेटस देखने के लिए बताया कि आप अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसमें कहीं पे दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो बेझिझक आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी आगे न्यू वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।